अगर नहीं छोड़ेंगे तो मैं पीछे हम किया उसको बोले सारा बैठिए आप इधर। अब बैठिए उसको सर सर करने लगा, वो तो बड़े आदमी था तो छोटे को कोई नहीं सुनता है। सर कहीं जाओ जब कितना रोने धोने करेंगे ना तभी सुनते, उसे बड़े नहीं सुनते हैं। हम इतना ही सोचे जब मेरे बच्चे को जिंदा छोड़ दिया है। काम ऐसा नहीं है, प्रशासन काम करती है, उनका काम करने का तरीका अलग है। वो काम कर रहे हैं, इतना टाइम डिले हो जाता है कि तब तक ये सामाजिक स्तर पे भी कोई ऐसा नहीं है जो क्या वो चार उनके सामने कोई बोल ही नहीं सकते। वो तानाशाह है यहाँ के, अगर उनके सामने बोलेगा तो आज हमको उठा के ले गया है, कौन अपना गर्दन फंसाएगा, उनको उठा के लेके जा सकते। बच्चे सब हाक रोश करते, दूटा तीन टा बूढ़ा अंगना में रहे पुरुष पियो ने गाँव पर रहे आप सब गोटे हाक रो। ओत से एक बूढ़ा कहल खबरदार आ तो एक शब्द नहीं बाजि सकै छी गोविंद जी, मुँह के शांत का करो, जे साइड में आयत तक खतरा है। ककरो ने एक बच्चा हमार हिंका जहन घींच लगलन तो बच्चा हमार पोता है वो बच्चा हिंका कहलकन जे रेडी ओकरा नहीं ले जा सकै छी, ओ बकरा साड़ी घींच लेलकन ओ ओहि पर से तड़पि गेल, तखन ओ बच्चा के चारि थप्पड़ मारलक आके हमको पकड़ के उठा के लेके। अच्छा ये बोले गोविंद, ये पूरा नाम क्या है? डॉक्टर गोविंद, डॉक्टर गोविंद झा, डॉक्टर विनोद झा, बिमल झा। ठीक है, वो आपके घर पर आके गालीबाज दिए, घर आकर मारपीट की, मारपीट की आपके भी मारे के, किस की लोगों को मारपीट मार किया? हमारा हमारा लड़के को और हमारा भतीजे को मार। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है कलवाही थाना क्षेत्र के बेलाही बेलाही गांव में। क्या नाम है आपका? दयानंद झा के आवास पर मौजूद है, देख सकते हैं इनके घर की सारी औरतें हमारे साथ मौजूद हैं और ये खुद भी हैं और इनका एक लड़का है जो एनआरआई है, हमने इनसे भी बातचीत किया है। बातचीत के बाद जो जानकारी आई है इसमें यही बात सामने आई है कि जो इनके ये इनकी लड़ाई किसी बाहर या गांव के लोगों से नहीं है, बल्कि इनकी इनकी जो लड़ाई है, इन लोगों का जो झगड़ा है अपने दयाद से ही है, दयाद के लोगों से है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये झगड़ा बीते 2016 या 15 से ही चल रहा है। जानकारी के मुताबिक ये मामला एक शादी को लेकर है, जो एक लड़के की शादी होती है, शादी के कुछ दिनों बाद ही 15 या 20 दिन बाद ही वो लड़की ससुराल जाने से इनकार कर देती है। लड़का पक्ष के लोगों ने लड़की की विदाई के लिए कोर्ट में एक मुकदमा दायर करता है ताकि कोर्ट इस चीज़ पर सुनवाई करते हुए लड़की की विदाई कर दे। लड़की नहीं आना चाहती है, उसके बाद लड़की के जो घर वाले हैं, जो गार्जियंस हैं, उसकी नीयत सही नहीं होती है, वो चाहता है कि ये रिश्ता टूट जाए और हम मुकदमा करके इनसे पैसा ऐठें या पैसा वसूलें। हालांकि लड़का पक्ष के लोग ये चाहते हैं अब कि हम किसी भी तरह से लड़की को रखें, अगर लड़की की कुछ आदत ख़राब है या अच्छी है हम उसे सुधार लेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये लड़का जो अपने बाहर रहकर आए है, ये एक किस क्या जॉब करते हैं? मर्चेंट नेवी में रह करके अपने माँ बाप अपने घर वालों की परवरिश करते हैं। जब भी ये घर आता है, अभी कल हुए हादसे में इनके घर पर सैकड़ों दर्जनों लोगों को लाकर मारपीट किया गया है, जिसमें इस तरह से घायल किया गया है, काफ़ी चोट है, इसके आँख को भी देखा जा सकता है, इसके जिस्म पर चोट है, इसके पिताजी हैं, पिताजी के टांग में चोट है, फिर इनकी चची हैं और इनकी माता हैं, सबों के साथ इनका इल्ज़ाम है कि हमारे साड़ी को फाड़ दिया गया, ब्लाउज को फाड़ दिया गया और बहुत सारी इल्ज़ाम हैं जो इन्होंने बताया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस ज़माने में, इस संसार में कमज़ोर लोगों को जीने का हक़ है या नहीं? अगर हक है तो ये प्रशासन जो आज भी सरकार किसी की हो, चाहे वो नीतीश कुमार की हो या बीजेपी की हो या राजद की या महागठबंधन की हो, सवाल यह पैदा होता है कि इस गांव में, इस समाज में सभी लोगों को जीने का हक है या नहीं? अगर कोई दबंग है तो क्या पैसे की बदौलत किसी गरीब और कमजोर लोगों को गांव से निकाल देगा? यह प्रशासन को सोचना होगा। अब देखना यह है कि इन लोगों को, हालांकि इनका कहना है, जो बात इनसे हुई है, इनका कहना है कि कलवाही थाना ने यह आश्वासन दिलाया है कि आपको इंसाफ दिलाया जाएगा, क्योंकि कल कलवाही थाना जब यहां पहुंचा तो शायद, जिसे इन्होंने बताया है, कि इन लोगों को उस वक्त उसी के घर पे रखा गया था जो लोग इनको यहाँ से उठाकर अपने घर ले गए थे। अब देखना यह है कि कलवाही थाना कहाँ तक सच बयान दे पाती है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दयानंद झा है। मारपीट किससे हुई है, क्या मामला है बताइए? हमको कल सुबह 7:30 से 8 के बीच में यहाँ 100-150 आदमी आया, विनोद जी, गोविंद जी और बिमल, ये लोग हमको वहाँ से गाली दे रहे थे कि बाहर निकल हम खींच के ले जाएंगे। अच्छा, कोई घर के सामने में बोलेगा तो बर्दाश्त होगा क्या? नहीं तब भी हमारा बीवी ग्रिल बंद कर रही थी, लेकिन जो हजूम था वो मेरे अंदर आ गया,
आप इसी घर में थे? इसी घर में थे, इसी घर में हमारे पापा हम दोनों थे। हम बात करेंगे, हम दोनों बाप बेटा उसी घर में, हाँ दोनों बाप बेटा उसी घर में थे। वहाँ से दोनों 8-10-15 आदमी हम बात करेंगे। 15-20 आदमी आके हमको पकड़ के उठा के लेके। अच्छा, बोले गोविंद, ये पूरा नाम क्या है? डॉक्टर गोविंद, डॉक्टर गोविंद झा, डॉक्टर विनोद झा, बिमल झा। ठीक है, वो आपके घर पर आके गालीबात दिए, घर आकर मारपीट की, मारपीट की आपके भी मारके? किस किस लोगों को मारपीट की? मार के हमारा लड़के को और हमारा भतीजे को मारने की वजह कोई झगड़ा? किस झगड़ा? ये लोग मेन बात बताते हैं। 2016 में हमारा साला का शादी हुआ था। मैं उससे बहुत पहले से बोल रहा था मत करो शादी। ठीक है, लेकिन ये लोग हमको उसमें फंसा के, चक्रजाल में फंसा के शादी हो गई। 15 दिन के बाद लड़की को नकड़ा चालू किया, लड़की ठीक है, वो अपने मायके आ गई और वहाँ से दुनिया का, उसके बाद वो नहीं आना, वो नहीं आई, शॉर्ट है बताइए। हाँ, नहीं आई। हम लोग लड़की लाने के लिए केस कर दिए। ठीक है, वो जो केस कर दिए, इसलिए हम लोग को कभी नजे लोग तो ऐसा इस दुनिया में आज के डेट में होता है कि अगर लड़की नहीं आई तो छोड़ो, दूसरा ब्याह करो, लेकिन आपने लड़की लाने के लिए केस किया, ऐसा किया? हाँ, उसके बाद तो फिर क्या हुआ? वो लोग 498 किए, उसके बाद बलात्कार केस किए हमारे दोनों बाप बेटा पे, फिर हमारा छोटे बेटा को अटेम्प्ट टू मर्डर 307 का केस किए। उससे आगे 2020 में हमारा बीवी को घर पे आके मारे। हम लोग घर पे रहते नहीं हैं, अब बाहर रहते हैं। हम क्या करते हैं? हम नर्सिंग का VHMS करके रखे हैं, काम करते हैं मुंबई में। हाँ, मुंबई में काम करते हैं। तो कल जो मारपीट हुआ, फिर आप हॉस्पिटल गए थे? कल वही हम लोग मारपीट जो हुआ तो हमको तो उठा के उसके घर पे लेके गया। अच्छा, ये लोग उठा के घर ले गए यहाँ से एक डेढ़ किलोमीटर दूर है उनका घर। उस वहाँ ले जाके हम लोग को वहाँ मारे सब आदमी, जितना 150-200 आदमी जो था वो लात से मार रहा था। फिर कैसे छूटे आप? निकले हम बताते हैं। वहाँ ले जाके हम लोग को एक रूम में बंद किया, बोलता है जो पेपर तैयारी करो, उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे। मैं अंदर से बंद कर दिया दरवाजा, ठीक है, बंद कर दिया। हमको तो ये मालूम था घर पे जो एक लेडी सब है, कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करेगा ना। ये लोग कलवाही थाना गए, कलवाही थाना आया तब वो खुलवा के हम लोग को यहाँ लाए। थाना जा करके फिर निकाला। हाँ, ये थाना जान लिया इस बात? हाँ, थाना जान। आपने इसका एप्लीकेशन दिया था? हाँ, एप्लीकेशन दिया है। थाना क्या कह रहा है? थाना तो अभी बोला रामनवमी है, अभी आपका इंजरी रिपोर्ट नहीं आया है, इसके लिए उधर रखा है। हम लोग दो दिन से हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आपसे, एक एक करके बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल झा है। क्या करते हैं? हम मर्चेंट नेवी में हैं। और आप जरा चुप रहे, मेरी बातों को सुने, हम बात करेंगे, वही बात करेंगे, ठीक है, वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा आप लोगों की बात। ये क्या करते हैं आप? हम मर्चेंट नेवी में इंजीनियरिंग ऑफिसर हैं। अच्छे, तो आपको ये आग में चोट लगी हुई है, जिस्म में चोट है, ये सब मार लगी आपको? दिखा देते हैं आपको क्यों मारता है? ये हमको इसलिए मारता है कि हमारे घर में हमारे मामा जी केस के चक्कर में काम कर नहीं पाते, वो अपना गुजारा चलाने वो भी कभी कभी हम ही देते हैं उनको, आप समझ सकते हैं ऐसा हालत है। क्योंकि जब वो घर महीना में कोर्ट में ही उनको 10 बार आना पड़ेगा, तो आदमी कोई जॉब तो मिलेगा नहीं। जॉब मिल ही करेगा कहाँ से, मिलेगा तब तो आदमी करेगा। तो एक हम ही कमाने वाले हैं, पापा भी हमारे अभी तबीयत खराब रहता है, तो उनका मकसद है कि इसको डैमेज कर दो, तो इसको डैमेज कर दो, डैमेज हो जाएगा तो लोग परेशान हो जाएंगे, और लोग परेशान हो जाएंगे, तो फिर हम केस लड़ने जाएगा ही नहीं इस सबको, तो वैसे ही फिर जेल हो जाएगा। जब आप केस लड़ने नहीं जाएंगे, आप अपने हिसाब से सही सलाह नहीं ले पाएंगे किसी लॉयर से, कोई भी तो फ्री में तो मिलता नहीं है, उसके लिए कुछ ना कुछ ज़्यादा कम देना पड़ता है। तो उनका मकसद था इसको इतना मारो कम से कम जान से जाए, नहीं तो इतना डैमेज कर दो फिजिकली कि दोबारा ज्वाइनिंग करने लायक ना बचे। और वही किया देश में रहते हैं। हाँ हाँ, तो आप इसलिए लोग जानबूझ करके और डैमेज करना चाहते हैं? हाँ, हमारा जानबूझ के प्लानिंग करके हमारा इंतजार करता है, हम आ गए तो हमको मारेगा ही। अच्छा, ये लोग उठा कर ले गए थे तो आपको भी ले गए थे? सबसे पहले हमको ही ले गए जी। हम गेट पे ऐसे ही अंदर, हम लोगों को नहीं पता था, एक बैग आध हमका गाली देने लगा, बोला निकल, कोई 100 आदमी को देखेगा तो किसके हिम्मत है कि वो जाए उसके सामने, सब घर के तरफ भागेगा। इतना भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम नहीं दिया कि हम लॉक नहीं कर सकते ग्रिल, हम ग्रिल भी लॉक करते उससे पहले वो घुस के ग्रिल का ऐसे खोला, अंदर घुस गया। दिवाकर झा जो कि लड़की के पिताजी हैं,
वो खींचना चालू कर दिए। उधर से विमल झा, विनोद झा ये सब गाली कर रहा था, वो लोग घर में घुसने की कोशिश, दिलीप झा, मदन झा ये सब दियाद ही है, ये सब दियाद हैं, और उनके साथ लाठी डंडा सबसे लेस आदमी सब था एकदम। आदमी कहाँ, आपके गांव का ही रहा होगा या बाहर से? नहीं नहीं बाहर से था, उनको हम ना जानते हैं ना कभी देखे, लेकिन 100 या 100 से ज्यादा ही होगा। और उन लोगों का मैं दारू पीता नहीं, इसलिए एक्चुअल स्मेल क्या होता है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसा स्मेल आ रहा था और उनका दुर्व्यवहार जिस प्रकार के था, ताम्रस में वो कुछ न कुछ पी रखे थे। ठीक है, तो साथ में महिला में आप थी यहाँ घर पर? हाँ हम रही, तो वे हमरा सबके तो निकललों घर से, हमरा सबके डर अंगना भरल पी पा के सब रहे, सब अब याद नहीं रहे पीने, बाली के याद नहीं रहे से सब पी कर रहे, तो निकललों। वो गोविंद जी सबके कहती साइड रह साइड रह, बच्चा बुच्ची सब अंगना में हाक्रोश कर, बेटी पुतो सब कनि रहा छी, मुर्दा जना उठा कर लग ले लादि कर दुनू बाप देखे बुझल, हिनका से गैर सनुआ घिचलकन, ये अपन हमारा घर से चाभी पर्यंत लऽ लेलक, चाभियो न गाड़ी के भेटी। हाँ, वो अहाँ के घर से निकाल कर सब बाले बच्चे सब हाक्रोश करते, दूटा तीन टा बूढ़ा अंगना में रहते, पुरुख पियो न गाम पर रहे, आप सब गोटे हाकर ओत से एक बूढ़ा कहलखिन ये खबरदार, आ तो एक शब्द नहीं बाजि सकै छी गोविंद जी, मुँह के शांत क करो, जे साइड में आयत तकरा खतरा है, ककरो ने एक बच्चा हमार हिनका जहन घीच लगलन, तो बच्चा हमार पोता है, वो बच्चा हिनका कहलकन जे रेडी ओकरा नहीं लऽ जा सकै छी, दू बकरा साड़ी घीच लेलकन, ओ ओहि पर से तड़पि गेल, तखन ओ बच्चा के चारि थप्पड़ मारलक, आ तखन ओ बच्चा गेले बचवल ला, तो ओकरा चारि डंटा मारल, सबके कहे सब मौगी सब कहा केओ के झाड़ू लक खापर लक, सबके कहे साइड रह, आ सब मनसा भरल अंगना लोक रहे, आ मौगी सब खाली रही, पुरुष केओ रहबे नहीं करे, मर्द नहीं था यहाँ। अच्छा फिर हम बात करते हैं, आप इस बताइए आपके इसका जो मामला है, झगड़ा है, आप समझदार हैं और कोई नहीं चाहता है कि झगड़ा को बढ़ाना चाहता है, तो मेन जो झगड़ा है उस लड़की को लेकर के ही है, जो शादी हुई और लड़की अपने मायके में है, जो नैहर में है, वही जाना चाहती है, तो आप लोगों को क्यों धुन है कि उस लड़की को लाए हैं, ये बताइए थोड़ा सा। अभी केस चालू है ना, उसके केस चालू है हाँ। केस का समाधान होगा ना, केस का समाधान सब नहीं बात समझे, वो जजमेंट हो जाएगा, बाल बच्चा उसमें हाँ। मदद दी हम अलग होंगे, कुछ तो बाल बच्चा है नहीं, 15 दिन नहीं रहा है, 15 दिन आप सुनिए, उसके बाद इनका मेडिकल भी हुआ था कि ये गलत आरोप दिए, हमारा फैमिली बच्चा गिरा दिया, ये वो दुनियादारी, हमारा लड़के उनको रेप किया, उजाला होटल दरभंगा का, ये सब बहुत प्रशासन की मदद इसमें नहीं हुई, प्रशासन को ये लोग पैसा से दबा के रखते हैं, प्रशासन को अगर दबा दिया है, सुनिए प्रशासन को दबा दिया है तो हर जगह पैसा ही काम नहीं आता है, ये बात जानिए, प्रशासन करती है काम, ऐसा नहीं है, प्रशासन काम करती है, उनका काम करने का तरीका अलग है, वो काम कर रहे हैं, इतना टाइम डिले हो जाता है कि तब तक ये सामाजिक स्तर पे भी कोई ऐसा नहीं है जो क्या वो चार उनके सामने कोई बोल ही नहीं सकते, वो तानाशाह है यहाँ के, अगर उनके सामने बोलेगा तो आज हमको उठा के ले गया है, कौन अपना गर्दन फंसाएगा, उनको उठा के लेके जा सकता है, हम तो लोग चाहते हैं इससे चलो इसको ही पीटता है ना, हम साइड रहे किसी की बात, गांव के लोग भी कुछ इस पे नहीं इंटरफेयर कर रहे हैं, इंटरफेयर डरते हैं ना, सब अलग अलग है ना, ये हमारा जो अपना दियादी बात है, उसमें बाहरी लोग लेके आए, तो गांव वाला बोलता है ना ये गलत काम किए हैं, वो तो गांव वाला बोलता है, पूरा गांव को बिठाए एक जगह पे तो बोलेगा ना, अभी जो घटना किया वो बिठाएंगे ही नहीं, वो बोलेंगे गांव से हमको मतलब क्या है, इसको थोड़ा डिले करवाएंगे, इधर करवाएंगे उधर करवाएंगे, हम लोग तो जान दे क्या करेंगे। ठीक है, तो आप ये बताइए कि उस दिन जो कल ही ना मारपीट हुई थी, हाँ। तो मारपीट के दौरान क्या क्या आपके साथ मार लगा, जिसमें में तो कई जगह दाग है आपके, वो तो देख लिया हमने दाग, हाँ, है सर में पूरा, चेहरा भी आपका पूरा देखते हैं सुजन है, तो और क्या क्या किया गया आपके साथ? हमें कल उतना हमारा माइंड काम नहीं कर रहा था, जब हम देखे तो हमारे घर किसी से भी आप पूछ सकते हैं, हम स्मार्ट वॉच पहनते हैं, वो हमारे हाथों में नहीं था, उसके बाद में गर्दन में स्टोन पहनता हूँ जो कि ज़्यादा कीमत नहीं है, 20,000-25,000 के अंदर सब स्टोन, उसका स्टोन सब 10,000-8,000 का आता है, वो भी तो वो दो तीन था, वो भी गला में नहीं था, एक दो
हमारा पंडित जी बोले हैं कि प्लेट पहनने के लिए, तो वो सब था, वो सब तमाम चीजें हमारे गर्दन से खींच लिया गया था। जो लोगों ने खींचा होगा कुछ आइडिया आपको या होश है या नहीं? हमको तो मास्क लोगों ने पकड़ रखा था कुछ, उसमें हम तो खुद ही नहीं समझ रहे थे हम अपने घर हैं कि उनके घर है। हमको तब पता चला जब थाना आई, हमको तो तब तक मार रहा था। आपकी चाची लगेंगे? ये हमारी मम्मी है। मम्मी है आपकी। क्या हुआ था मामला आपके साथ? मामला तो हमको पता कुछ नहीं पहले से था। ये सब लोग जब आए तो हम यहीं बैठे थे, हम दरवाज़ा बंद करने लगे, बंद जब बंद करने का ताला वहीं पर था, लिए हाथ में वो मदन का लड़का कितना जी, दिलीप झा गोविंद झा विमल झा और विनोद डॉक्टर, ये चारों आए। अब मनोज कुमार उसकी दुकान पर रहते हैं, ये चारों आए, इतना ज़ोर से धक्का मारा, आई हम बच्चे सबको जी करके वहाँ ठेल कर देते थे, इतना जोर से धक्का मारा, हमको तो वहाँ फेंक दिए धक्का मार कर, गए तुम यहाँ से हट जाओ, नहीं तुम्हारी को तुमको जो नहीं करने हो मन होगा वो भी हम कर सकते हैं, तुमको डर है लेडीज है तो बगल में खड़ा हो जाओ। फिर हमको तो मैं बच्चे सबको तो मार मार करके नीचे सबको अंगना में गिरा दिया, इतना पड़ा पड़ा करके दोनों को बहुत मार मार तो दोनों को बहुत मारा। फिर वहाँ थे वहाँ से यहाँ नहीं अभी आए जो हमको फिर मारेगा, फिर दिवा कर जाए यहाँ पर आ जाए जहाँ दोनों आए, हमको घसीट करके यहाँ ले गया सारे ब्लाउज के दोनों यहाँ फाड़ दिया और गला का चेन घींच लिया। फिर बाद में जब घर में गए ना तो वहाँ पर्स था, पहले तो हमको पता नहीं था पर्स में से लिया, पर्स में पैसा था। कितना पैसा रहा? 2000 रुपया था पैसा। ले लिया गला का चेन, ले लिया यहाँ कांटी में दो गाड़ी का चाबी था, एक ये गेट का चाबी था, वो भी तीनों लेकर के चला गया जे ये लोग थाना पर में नहीं जाएंगे। जब ये लोग चला गया तो हम सोचे अब क्या करेंगे, थाना पर नहीं वहाँ जे चले जाए फिर हमको पकड़ करके मारेंगे, थाना नहीं आएंगे तो बच्चे लोग को छोड़ेंगे कैसे। मेरे भाई थड़ा जैसे यहीं पर, उसको दूसरे से गाड़ी लिए, ये मेरे जौत है गोल सत्यम नाम है, उसको मारपीट किए बहुत मारा उसको, उसी का गाड़ी था, उसकी मम्मी से चाबी लिए हम थाना पर चला गया। थाना पर जब गए तो थाना वाला जो पैसे वाला था कौन क्या है तो जब बोले जो विनोद डॉक्टर और गोविंद डॉक्टर कुछ किए होंगे, वो लोग ऐसा नहीं है, हमको बहुत परेशान किए, बहुत रोए धोए जो सर थोड़ा चलिए मेरे बच्चे लोग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे ऐसे बोले, कितना बार बोलते बोलते तब वहाँ से थाना आए, पीछे पीछे गाड़ी से आए, वहाँ जब गए वो हम कर थोड़ा हमको बच्चे को देखने दो, दो विनोद बोला गए तुम इधर आ नहीं सकते, इतना जोर से चिल्ला कर हमको देखने नहीं दिया। तब थाना बोले कि शांत रहो, थाना चले गए घर, मेरे बच्चे से हमको लगा कि फिर हमको मारेंगे पीटेंगे, हम वहाँ नहीं खड़ा हुआ, यहाँ आ गए तो नहीं छोड़ेंगे। हम एस पी साहब की हम उसको बोले सारा बैठिया अब इधर आप बैठी, उसको सर सर करने लगा, वो तो बड़े आदमी था तो छोटे को कोई नहीं सुनता है, सर कहीं जाओ जब कितना रोने धोने करेंगे ना तभी सुनते, उसे पहले नहीं सुनते हैं। हम इतना ही सुने जब मेरे बच्चे को जिंदा छोड़ दिया। ठीक है आप रोइए मत। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।